कवर्धा जिले में 60 डेसीमिल जमीन के लिए एक महिला की कुदाली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने करीब 9 माह बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि विवाद के दौरान महिला के थप्पड़ मारने से उसमें गुस्सा था, इसका बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। मामला कूड़ा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक दामापुर क्षेत्र के गांव मोतेसरा में जून 2021 को एक महिला का शव खेत में पड़ा मिला था। सूचना पर पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाई तो पता चला कि वहां गांव की ही उर्वशी बाई का था। उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। काफी समय से मामला लटका होने के चलते एसपी डॉक्टर उमेश सिंह ने अलग से पुलिस टीम बनाकर मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान पता चला कि उर्वशी बाई का जमीन को लेकर पिपरिया के जोगी गांव निवासी अहिमन निषाद के साथ विवाद था। इस पुलिस ने अहिमन को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की है। पहले तो वह हत्या से इनकार करता रहा, फिर स्वीकार कर लिया। अहिमन ने पुलिस को बताया कि करीब 9-10 महीने पहले दिनेश के भाई कमलेश के 60 डेसिमल खेत को उसने गिरवी रखा था। दिनेश के घर के सामने ज्यादा ब्याज लेने और जमीन को खरीदने को लेकर विवाद हो गया। आवाज सुनकर कमलेश की बहन उर्वशी आई और अहिमन को 2-3 थप्पड़ मार दिए। इस पर अहिमन ने गुस्से और आत्मलंघन में दिनेश और उर्वशी को जान से मारने की धमकी दी। अहिमन ने पुलिस को बताया कि 13 जून की दोपहर उर्वशी बाई खेत में काम कर रही थी। उसे अकेला देख अहिमन ने कुदाली से उर्वशी के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद वहां से कुदाली लेकर भाग निकला। कुदाली के वार से उर्वशी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अहिमन को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कुदाली भी बरामद कर ली है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।